हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीज कुकिंग। आज आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला है। थैंक्सगिविंग है यहाँ पर और इससे रिलेटेड जो भी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पर थैंक्सगिविंग में क्या क्या बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थैंक्सगिविंग फीस्ट डिज़र्ट के साथ। डिज़र्ट जो यहाँ का ट्रेडिशनल है वो है पम्पकिन पाई, और पम्पकिन पाई बनाने के लिए मेरी बेटी सानिया मेरी हेल्प करेंगी। तो चलें हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पम्पकिन पाई के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। पम्पकिन प्यूरे 15 ऑंस 1 कैन, कंडेंस मिल्क 14 ऑंस 1 कैन, दो अंडे, जायफल, नटमेग इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, दालचीनी का पाउडर 1 टी स्पून, ये लौंगों को भी मैं पीस लूँगी और इसको इस्तेमाल करूँगी 1/8 टी स्पून, एक मैं फ्रोज़न पाई क्रस्ट इस्तेमाल करूँगी। एक बोल में हम सबसे पहले पम्पकिन प्योरे डालेंगे। अब इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। अब हम शामिल कर देंगे दो अंडे। अब इसमें सारे स्पाइसेस मिला दें, नमक, दालचीनी, लौंग और जायफल का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करके एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम इस पाई क्रस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे सारा। ओवन को प्री हीट कर लिया है 350 डिग्री फॉरेनहाइट पे और इसको अब मैं 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। हमारी मज़ेदार सी पम्पकिन पाई 45 टू 50 मिनट्स बेक होने के बाद बिल्कुल रेडी है। इसको पहले रूम टेम्परेचर पे हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। पम्पकिन पाई बिल्कुल रेडी है, इसको आप सर्व करें कूल व्हिप के साथ। और अब चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ। इसका नाम है क्रैनबेरी सॉस, और इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। फ्रेश क्रैनबेरीज 3 कप्स, फ्रेश अनार का जूस 3/4 कप, फ्रेश ऑरेंज जूस 3/4 कप, चीनी हम लेंगे 1 कप। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर क्रैनबेरीज डाल दी हैं, और यहाँ पर मेरी हेल्पर जो हैं वो मेरी छोटी बेटी हिबा हैं। अब हम इसमें दोनों जूसेस शामिल कर देंगे, अनार का और ऑरेंज जूस, और शुगर भी शामिल कर देंगे। और शुगर डालने के बाद फिर हम इसको चलाएंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये क्रैनबेरीज जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएँ, पॉप होना शुरू हो जाएँ, और फिर उसके बाद हम 10-15 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे सिमर के लिए। यहाँ पर क्रैनबेरीज पॉप होना शुरू हो गई, अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। क्रैनबेरी सॉस रेडी है। इस स्टेज पर जितनी थिकनेस है बस इस वक्त आप इसको उतार लें। हमने सॉस को डिश आउट कर लिया है, मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत बेहतरीन जायका है इसका, और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं बिस्किट्स, ये बेक होंगे, और जो जो इंग्रेडिएंट्स बिस्किट्स बनाने के लिए चाहिए वो अब हम नोट करते हैं। मैदा ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, अनसॉल्टेड बटर हम लेंगे 6 टेबलस्पून, और इसको हम छोटे छोटे डाइसेस में काट लेंगे। बटर मिल्क 1 कप, एक अंडे की जर्दी हम ये ब्रश की मदद से बिस्किट्स के ऊपर लगाएंगे ताकि बेक करते वक्त कलर आ जाए। और यहाँ पर मेरी हेल्पर है मेरी छोटी बेटी हिबा, और अब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें बटर की ये छोटी छोटी क्यूब्स शामिल कर देंगे।
अब एक कांटे या विस्क की मदद से ये बटर के पीसेस को थोड़ा थोड़ा तोड़ लें, लेकिन बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है। बटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बटर मिल्क मिलाएंगे और इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे एक चमचे की मदद से। बहुत ज़्यादा हमें सख्त हाथ से इसको नहीं गूंदना है, बहुत हल्का हल्का जेंटली इसको हमें इसको गूंदना है। अब हम एक सरफेस के ऊपर रखकर इसको हल्के हल्के हाथ की मदद से थोड़ा फैलाएंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह हाथ की मदद से हल्का हल्का हम इसको फैलाएंगे और फिर एक दफ़ा फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको तकरीबन 6 दफ़ा फोल्ड करेंगे ताकि हमारी फ्लेकीनेस और उसमें जो है लेयर्स आ जाएं। हमारा डो तैयार है और अब हम इसको एक कुकी कटर की मदद से इस तरीके से गोल गोल शेप में काट लेंगे और इसकी थिकनेस तकरीबन 1 इंच के करीब होनी चाहिए। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और ये तकरीबन मेरे 6 से 7 बन रहे हैं इसके अंदर। हमारे सारे बिस्किट्स तैयार हैं, हमने इनको एक बेकिंग डिश के अंदर रख दिया है और ऊपर से हम अंडे की जर्दी लगा रहे हैं और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 450 डिग्री फारेनहाइट पर। 15 मिनट के बाद मैंने बिस्किट्स निकाल लिए हैं, ये बहुत अच्छे से बेक हो गए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसकी फ्लेकीनेस और लेयर्स बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं। और इसको हम सर्व करते हैं क्रैनबेरी सॉस के साथ। हमारी चौथी रेसिपी का नाम है मैश पोटैटोज। मैश पोटैटोज बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले जो हमें मेन इंग्रेडिएंट है आलू हैं। पोटैटोज इसको हमने 2 पाउंड आलू ले लिए हैं। यहाँ पर हम सारे आलू छील लेंगे, अच्छी तरह से सारा छिलका इनका उतार लेंगे ताकि हमारा मैश पोटैटो स्मूथ सा बने। इसके बाद आलूओं को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमारे आलू उबलने में आसानी रहे। अब हम कटे हुए आलूओं को उबाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरी बेटी सानिया मेरी हेल्प कर रही हैं। आलू अब गल चुके हैं, इसको मैं कांटे की मदद से चेक कर रही हूँ कि अच्छी तरह गल गए हैं। अब एक स्ट्रेनर में आलूओं को छान लें। अब आलूओं को दोबारा पैन में डाल के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि सारा मॉइस्चर इसका खुश्क हो जाए। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। क्रीम लेंगे हम यहाँ पर 1 कप, लहसुन 2 से 3, रोज़मेरी 2 से 3 स्ट्रैंड, अनसॉल्टेड बटर 1 स्टिक। अब इस पैन के अंदर हम हैवी व्हिपिंग क्रीम डालकर और रोज़मेरी और लहसुन की जगह डालकर इसको इन्फ्यूज़ करेंगे लहसुन और रोज़मेरी का फ्लेवर। अब पोटैटोस को एक मैशर की मदद से आप मैश कर लें, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े थोड़े इसके चंक्स भी रहने देने हैं। क्रीम के अंदर बॉयल आने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर आलू जो है वो मैश हो चुके हैं। अब हम बटर को पिघला कर शामिल कर लेंगे आलू के अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब इन्फ्यूज़ क्रीम भी छान कर हम आलू में मिला लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हमारे मैश पोटैटोज़ ऑलमोस्ट तैयार हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पर मैश पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इसको गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालेंगे और फिर ऊपर से हम इसमें काली मिर्चें और हमने थोड़ा सा डिल चॉप करके रखा था वो भी डालेंगे। इनकी गार्निशिंग भी हो गई है और ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। हम इनको सर्व करेंगे ग्रेवी के साथ। और अब चलते हैं अपनी 5वीं और मेन डिश की तरफ। ये हम बना रहे हैं होल बेक चिकन और इसको हम पकाएंगे इंस्टा पॉट के अंदर। आप चाहें तो पैन के अंदर भी बना सकते हैं और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए बेक भी करेंगे।
इसमें मेरी हेल्पर हैं मेरी बेटी सानिया। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, यहाँ पर मैंने 2 चिकन ले ली हैं और ये मैंने स्किन के बग़ैर ली हैं, आप चाहें तो स्किन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट लेंगे हम 2 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, 2 फ्रेश लेमन लेंगे और इनका जूस निकाल लेंगे हम, बटर 1 स्टिक, लेमन जूस 4 टेबलस्पून। इन स्क्वीज लेमन को हम चिकन के अंदर स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन के 8 जवे ले दिए हैं, इसको भी हम चिकन के अंदर स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। रोजमेरी और थाइम की 2 टहनियाँ ले ली हैं ईच, और उनको बारीक बारीक चॉप कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो मसाले अलग रखे हुए हैं ये हम दोबारा चिकन में लगाएंगे जब ये इंस्टा पॉट में हो जाएगी बेक करने से पहले। 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून पेपरिका। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से पहले चिकन में थोड़े थोड़े छुरी की मदद से कट लगा लें ताकि मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब एक बोल में सारे जितने भी स्पाइसेस हैं इनका एक मिक्सचर सा तैयार कर लें, सिवाय ये लेमन और गार्लिक के। अब इस मिक्सचर को हम चिकन में अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पर लेमन और गार्लिक से चिकन को स्टफ कर देंगे और अच्छी तरह से मसाला अंदर भी और बाहर भी लगा देंगे। अब हम इंस्टा पॉट को स्टार्ट कर देंगे, इसको हाई प्रेशर पर हमें पकाना है। इंस्टा पॉट के अंदर मैंने एक रैक रख दिया है। अब इसके अंदर मैंने एक कप यखनी डाली है, ये मैंने चिकन लेके इसको बॉईल कर लिया था पानी में और यखनी बना ली थी। अब एक चिकन हम डालेंगे इस रैक के ऊपर सारी स्टफिंग के साथ। और इसको आप कवर करके और इसको लॉक कर देंगे। चौबीस मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसको नेचुरली प्रेशर रिलीज करने के बाद चिकन को निकाल लेंगे। ये हमारी दोनों चिकन इंस्टा पॉट में हो चुकी थी 24 मिनट। अब हमने इनको एक बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कर दिया है और जो मैंने अलग से स्पाइसेस रखे थे वो भी मैं इन चिकन के ऊपर लगा रही हूँ और अब ये रेडी हैं बिल्कुल ओवन में जाने के लिए। चिकन बिल्कुल रेडी है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ एस्पेरेगस और ब्रसल स्प्राउट्स और चेरी टोमेटोस के साथ। अब हम बनाएंगे अपनी छठी और लास्ट डिश, चिकन ग्रेवी। ये हमारा जो चिकन हमने बनाई थी उसमें से जो सूप बचा था और मसाले थे हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने छान लिया है और इसी इंस्टा पॉट में हम जिसमें हमने चिकन बनाई थी इसी में हम ये ग्रेवी बनाएंगे। इंस्टा पॉट को हमने सॉल्टेड पोजीशन पे ऑन कर दिया है और इसमें हम 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसको चला लेंगे और हम इसके अंदर फिर 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। लंप ना हो इसके अंदर, इस बात का ख्याल रखें। अब चिकन ड्रिपिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सचर में हम शामिल कर देंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे। एक विस्क की मदद से
आप इसको चलाएं और आहिस्ता आहिस्ता सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर शामिल कर दें। बस इसको मुस्तकिल हमें चलाते रहना है और ये अपना स्टॉक जो है ऐड करते रहेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल इसके अंदर लम्स ना बने। अब हमें इस ग्रेवी को इतना पकाना है कि हमारी जितना हमें गाढ़ा रखना है, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाए। ये देखें, यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं स्टोव ऑफ कर दूँगी। चिकन ग्रेवी को हमने डिश आउट कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे चिकन के साथ जो हमने बेक की थी और मैश पोटैटोस के साथ। हमारी बेहतरीन सी होममेड फीस्ट थैंक्सगिविंग की तैयार है और आई कैंट वेट टू ईट इट। आप लोग मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी? अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।